हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है ईशिका वर्मा, मेरे चैनल का नाम है ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, क्या आपने मसूर दाल को खाने के साथ साथ इसकी क्रीम बनाई है? अगर नहीं तो फिर आज की वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसूर दाल की ऐसी क्रीम, आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगी। जो भी आपका स्किन टोन है उसको धीरे धीरे फेयर करने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। साथ ही साथ ये रिंकल्स को प्रिवेंट करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। तो फिर जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मसूर की दाल ले लेनी है। मसूर दाल के अंदर बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन पर एक क्लींजर की तरह काम करते हैं। हमारी स्किन को साफ करती है, हमारी स्किन के पोर्स के अंदर जो भी डर्ट वगैरह होता है उसको अच्छी तरीके से रिमूव और क्लीन भी करती है। मसूर दाल को हमें एक नाइट पहले ही इसको पानी डालकर इसको सोक होने के लिए रख देना है। और फ्रेंड्स, मसूर दाल जो होती है वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकती हैं, ये मसूर दाल अब सोक हो चुकी है। अब मैं एक मिक्सी ग्राइंडर में लूंगी और इसके अंदर सारी ये दाल ऐड कर दूंगी। साथ ही आप इसमें एक से दो चम्मच पानी भी इसमें ऐड कर सकती हैं, ताकि इसका एक स्मूथ पेस्ट जो है वो रेडी हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसका एक बहुत ही फाइन पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपको एक स्ट्रेनर लेकर इस मसूर दाल को इसमें डाल दूंगी मैं, और इसको अच्छी तरीके से इसमें छाल लूंगी, तो जो कि सारा इसका पल्प जो है मसूर दाल का वो अच्छी तरीके से निकल जाए। छानने के बाद आपकी जो मसूर दाल बचती है, आप इसे बिल्कुल भी फेंकी नहीं, ये बहुत ही अच्छे स्क्रबर की तरह भी काम करता है। आपको इसको सिंपली अपने फेस पर लेके इसको स्क्रबर की तरह अपने फेस के मसाज कर लेनी है। ये आपके फेस के डेड सेल्स को रिमूव करेगा, साथ ही बहुत ही अच्छा ग्लो भी देगा। अब मैं एक बाउल में दो चम्मच जो मसूर दाल का हमारा जूस निकला था उसको मैं इसमें ऐड कर लूंगी, और साथ ही मैं इसमें दो चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करूंगी। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होता है वो हमारी ड्राई स्किन को बहुत ही जल्दी रिपेयर और हील करता है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी एक कैप्सूल विटामिन ई की। विटामिन ई की कैप्सूल आपको बहुत ही इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगी। विटामिन ई जो होता है वो हमारी स्किन की न्यू सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इन सभी चीजों को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जब तक ये बहुत ही क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। आपको इस क्रीम को डेली रात में लगाकर सोना है, और जैसे ही आप सुबह उठे आप इसे नॉर्मल पानी से भी अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फेस पर अपने हैंड्स पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं इस क्रीम को। इसके रिजल्ट्स आपको वन वीक के अंदर ही दिखने लग जाएंगे। आपके फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन ब्राइटर और जो भी डार्क स्पॉट्स होंगे वो भी आपके खत्म होने लग जाएंगे। आप मसूर दाल के फेस पैक को डेली नहीं बना सकते, बट आप मसूर दाल की क्रीम को एक बार बनाकर इसे एक हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। आपको इसको फ्रिज में रखना है इस क्रीम को, ताकि ये बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे खराब ना हो जाए। लोगों के 30 की एज में भी उनके फेस पर जो फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाती है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए मसूर दाल की क्रीम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मसूर दाल की क्रीम अब बनके रेडी हो चुकी है। तो भाई, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो? तो जैसे कि आपने देखा कि मसूर दाल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपको आपके किचन में ही आपको मिल जाना है, और आप इसे हर वीक अपने घर में फ्रेश न्यू बना सकते हैं। तो अभी जाकर अपनी मसूर दाल की क्रीम जरूर बनाएं। और जाने से पहले आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी हो ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।